फाइनली आज सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, चाहे आप लोग बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो या टीआरई में सेलेक्टेड हो। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलेटेड नोटिस के बारे में, और साथ ही जो चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन कब तक होगा, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी शुरू की गई है वो कब से प्रारंभ होंगे और कितने सीट जो है सृजित होने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, और साथ ही आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक है तो इसमें किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी या शिक्षा विभाग में और क्या अपडेट की जाएगी, तो चलिए उससे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यहाँ पे मंत्रिपरिषद संख्या यहाँ पे सारा कुछ दिया गया। 28 जनवरी 2024 को ये नोटिस जारी हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ ही सभी मंत्रीगण बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना विकास आयुक्त बिहार उसके साथ ही प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना निर्देशानुसार दिनांक 29/1/2024 सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी, और साथ ही आज किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी तो इस पे भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपके लिए अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी तीसरे चरण को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, के पाठक जो ACS के पाठक बिहार के अभी हैं उनके द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक की भर्ती प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई, और साथ ही जो BRC में बच्चे परेशान हैं जो बहुत सारे दूर दूर से आए हुए हैं चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, तो उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए, फाइनल विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं मिल रहा है, साथ ही ना ही स्कूल आवंटन दिया गया, तो उसके लिए बातें हो या ना हो लेकिन तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएँ जरूर शुरू की जाएगी। तो फिलहाल चलिए उस रिलेटेड भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भर्ती के लिए तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, BPSC पटना हिंदुस्तान ब्यूरो BPSC से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद, इसमें जुड़ेंगे शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो विशेष शिक्षकों के 7200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सप्लीमेंट्री की बात करें तो देखिए आज कैबिनेट की पहली बैठक है, हो सकता है इसमें 7000 से 10000 के आसपास आपके शिक्षक जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं उनका आ सकता है। तो उनमें कितने नंबर कम कट ऑफ जा सकते हैं तो देखिए मैं बात करूँ जो भी कैंडिडेट 1 नंबर से चुके हैं तो उनका 1 से 2 नंबर तक होने की संभावनाएँ बन रहे हैं। साथ ही मैं बात करूं तो विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया इन पदों को। तो चलिए ये सब तो यहाँ पे दिया गया, और मैंने आपको बताया भी कि देखिए यहाँ पे आज शिक्षक का पहली सॉरी मंत्रिमंडल का पहली बैठक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से आप सभी को बताया कि बिहार के जो है फिर से सत्ताएँ गर्म हो चुकी है, और इसके तहत अगर मैं बात करूं अब फाइनली आप सभी का जो चयनित 2.0 में है, जो BRC में है या चाहे डाइट में हो, तो उनका फाइनली नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, कब तक वो स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तो 31 तक बताया गया, और सुबह में आज एक डिस्ट्रिक्ट का नोटिस भी जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट का जिनके डिस्ट्रिक्ट DPO जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दोनों की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के तहत उस जिलों में बताया गया कि 31 तक जितने भी स्कूल आवंटन हैं सारी प्रक्रियाएँ समाप्त की जाए, और समाप्त करने के बाद यह ब्यूरो ACS के पाठक मुख्य सचिव के यहाँ या शिक्षा विभाग को शेयर किया जाए, जिसके तहत 31 को जो आपके स्कूल आवंटन होने वाले हैं उसकी प्रक्रियाएं पूरी हो सके। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे अपडेट्स थे, और देखिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जब 29 हो ही गया तो आप लोग एक दिन और ज़्यादा वेट कर लीजिए। चलिए 30 और 31, जी हाँ दोस्तों 30 और 31 आपके 2 दिनों का चांस है, हो सकता है शाम तक आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएंगे, और शाम तक कुछ जिलों के जो नियुक्त चयनित प्रक्रियाएं हैं उनको भी जारी किए जाएंगे, और साथ ही 31 से फाइनल आपके जितने भी जिलों के आवंटन लिस्ट हैं वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, या 31 को ही सारे जिलों का एक ही साथ आवंटन लिस्ट मिलेंगे। तो ये सारे अपडेट्स थे, और दोस्तों जिस प्रकार से कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को अभी भी यही लग रहा है कि मेरा फाइनल हम लोग कब तक स्कूल ज्वाइन करेंगे, बिना रुपये के अभी तक काम कर रहे हैं। तो देखिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, 2 दिनों की बात है, 31 तक देखिए श्योर किया जा रहा है कि आपके ज़रूर स्कूल आवंटन लिस्ट मिल जाएंगे, और 10 फरवरी तक आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, और आज भी मैंने आपको बताया।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।